हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम कुछ ऐसे किचन टिप्स देखेंगे जो हमारे डेली रूटीन में हमें बहुत ही ज़्यादा काम आने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो पहली टिप ये है, जब भी हम कुछ चीज़ें फ्राई करते हैं तो वो जो कढ़ाई होती है वो नीचे से बहुत ही ख़राब हो जाती है इस तरह से। तो हमें फ्राई करने से पहले कढ़ाई को अच्छी तरह से नीचे की साइड से साबुन या जो भी आप लिक्विड यूज़ करते हैं इसे लगा लेना है। बहुत ही आसानी से ये निकल जाता है जब भी हम इसे धोएंगे। इस तरह से हमें इसे लगा लेना है और ये ध्यान रखना है अंदर की साइड है, इस पर बिल्कुल भी साबुन ना आए, बस बाहर की साइड को ही हमें अच्छे से लगा लेना है। और इसके बाद हम इसमें कुछ भी फ्राई कर सकते हैं। दूसरी टिप ये है, जब भी हम टमाटर फ्रिज में रखते हैं तो जो इसे स्टोर करने का एक तरीका है वो जो नीचे की साइड होती है उसे हमें इस तरह से रखना है। ये जो साइड है इसे हमें नीचे की तरफ लेना है, ये देखिए इस तरह से। इसी प्रकार से हमें सारे टमाटर को फ्रिज में रखना है। ये बहुत जल्दी ख़राब नहीं होते हैं और ये बहुत दिनों तक अच्छे रहते हैं। ये साइड हमें नीचे की तरफ से रखना है। ये टिप भी हमें डेली यूज़ में बहुत ज़्यादा काम आने वाली है। हमारी तीसरी टिप ये है, ये नींबू को हमें एक पेपर में इस तरह से रखना है, ये देखिए इस तरह से हमें इसे पेपर से कवर करना है और इसके बाद हम इसे फ्रिज में रखेंगे तो ये ज़्यादा दिनों तक अच्छे रहेंगे। नेक्स्ट टिप ये है, जब भी हम प्याज कट करते हैं तो आँखों में बहुत सारा पानी आ जाता है, तो हमें क्या करना है, जो कट करने वाली हमारी छुरी है उसे हमें एक बार पानी में गीला कर लेना है और इसके बाद हमें इससे प्याज कट करने हैं, ये देखिए इस तरह से। जब भी हम प्याज कट करेंगे तो उसे हल्का सा पानी से हम गीला करेंगे और ये प्याज कट करने के बाद हमें तुरंत प्याज को पानी में रखना है। नेक्स्ट टिप ये है, ये मैंने यहाँ पर एक छोटे से कंटेनर में पानी गरम कर लिया है और इसमें मैंने लहसुन की कलियाँ ऐड की है। 15 मिनट के बाद हम इसका छिलका उतारेंगे तो बहुत ही आसानी से और फटाफट से ये छिलका उतर जाता है। हल्के गर्म पानी में हमें 15 मिनट के लिए लहसुन को भिगोकर रखना है, ये देखिए कितनी आसानी से ये छिलका उतर रहा है। जब भी हम लहसुन छीलते हैं तो हमारे हाथों का भी थोड़ा सा स्मेल आता है तो ये भी स्मेल इससे नहीं आएगा। इसे हल्का सा आप तवे पर भून भी सकते हैं, इससे भी वो छिलके जल्दी से निकल आते हैं। अगली टिप ये है, जब भी हम कुछ दाल वगैरह बनाते हैं तो दाल को पहले थोड़ा सा भून लेना है, ड्राई रोस्ट कर लेना है। इसमें बिल्कुल भी ऑयल वगैरह नहीं ऐड करना है, बस ऐसे ही हमें दाल को एक 2 से 3 मिनट के लिए भून लेना है, ये देखिए। इसके बाद ये अगर हम दाल बनाएंगे तो इसका स्वाद बहुत ही अच्छा आता है। छुरी को अगर हमें घर पर ही तेज़ करना है या फिर उसका धार कम हो गया है तो हमें इस तरह से, ये मैंने फॉइल पेपर लिया है, ये मैंने यूज़ किया हुआ फॉइल पेपर लिया है, तो इसे हमें ये देखिए इस तरह से फोल्ड करके छुरी को इसके ऊपर हमें इस तरह से घिसना है। ये देखिए इससे छुरी तेज़ हो जाएगी और ये घर पर हम आसानी से कर सकते हैं। 3 से 4 मिनट के लिए हमें इसे इस तरह से घिसना है। तो ये सारे टिप्स आपको कैसे लगे मुझे ज़रूर बताइए। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक ज़रूर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें।